और जो ऊंची तीर्थ में जो बाबा के और जल्दी से जल्दी बाबा यहाँ से ठीक है आगे और क्या लगा रहे हैं वो जो है सामने आ जाएगा और अंगेर का जो विश्व के सामने आएगा बगल में हम लोग जितने पटिशनर थे और वो अधिवक्ता लोग और बाबा से हम लोग यही कामना किए हैं कि बाबा जल्दी से यहाँ से मुक्त होइए आप और हम लोग GPR द्वारा यहाँ से सर्वे का मांग किए हैं कि जो सर्वे में अधूरा रह गया है पिछले बार इस बार वो पूरा हो जाए। नंदी भगवान के ठीक सामने नंदी भगवान के बगल में हम लोग बैठ कर रुद्राभिषेक किए और बाबा से आशीर्वाद लिया कि बाबा जल्दी मुक्त हो जाइए और हम लोग सारे जितने सनातन हिंदुस्तान है सबको मतलब दर्शन दे। रेखा पाठक, मंजू ब्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और उनके मतलब पवन पाठक, सुभाष नंद चतुर्वेदी और जितने उनके जूनियर हैं सारे लोग थे। आज हम लोग ने यह अनुष्ठान लिया है और बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि जो हम ASI जांच की मांग हमने की है और उसको कोर्ट में आज दायर करने जा रहे हैं उसमें महादेव हमें सफल बनाए। हमारी मांग यह है कि पूरे परिसर का ASI जांच कराया जाए जिसमें 3 गुम्बद के नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं उसकी जांच हो, मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की जांच हो और पूरे परिसर में GPR सर्वे लगाया जाए। GPR रेडार के बाद अगर नीचे चीज़ें मिलती हैं तो फर्दर एक्सकेवेशन के ऑर्डर्स किए जाएं। अभी जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद ये नई मांग आज आप लोगों के द्वारा दायर की जी बिल्कुल ये नई मांग आज दायर की जाएगी और मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि 2 बजे इसमें माननीय ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने सुनवाई हो। बात करें दर्शन की क्या मांगा बाबा से? बाबा से यही मांगा कि जो हमारा अनुष्ठान है कि यहाँ पे बाबा आदि विश्वेश्वर का भव्य मंदिर बने और ये जो पूरा परिसर है ये मुक्त हो इस गैर कानूनी कब्जे से, उसके लिए हमने मांग की है और पूरी कोशिश है कि बाबा हमें इस अनुष्ठान में सफल बनाएंगे। आज हम लोग ने यहाँ पे रुद्राभिषेक किया और बाबा के दर्शन किए। अनुष्ठान नंदी के बगल में जो महादेव जी का मंदिर है स्थान है वहीं पे हमने पूजा पाठ की। देखिए कार्बन डेटिंग का हाईकोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। हाईकोर्ट ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का रास्ता क्लियर किया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ पे GPR सर्वे जो ASI की रिपोर्ट थी हाईकोर्ट के सामने वो यही थी कि हम GPR सर्वे करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से डेटिंग करेंगे जिसमें पार्टिकल नहीं लिया जाएगा शिवलिंग का। जो शिवलिंग के ऊपर 5 खांचे बने हुए हैं उसकी जांच की जाएगी, उससे पता लग सकता है कि ये छेड़छाड़ कब हुई है और अगर GPR के बाद लगता है कि यहाँ नीचे कुछ कंटेंट है तो फिर एक्सकेवेशन किया जाएगा। तो इसलिए इसको गलत तरीके से पेश किया गया कि हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग की। हाईकोर्ट ने ASI के साइंटिफिक सर्वे की जाँच के ऑर्डर्स दिए हैं जिसपे आगे 22 तारीख को माननीय न्यायालय में फर्दर मोडालिटीज तय करेगा।